वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी हाइपर, और आज हम आपके लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, जितनी भी महत्वपूर्ण शख्सियत हैं हिमाचल प्रदेश की और इनके बारे में एग्जाम में कभी पूछा जाता है, ठीक है, सो उनका इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और ये पार्ट वन है, और इसमें हम जितनी भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुई हैं आर्ट सेक्शन से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके आगे भाग दो, अगर ये आपको अच्छा लगा और इस पे अच्छा रिस्पांस आया तो हम इसका पार्ट टू भी बनाएंगे। अलग अलग जैसे पॉलिटिशियंस हैं या अलग अलग जितने भी खिलाड़ी हुए हैं उन पर बारी बारी करके 4 या 5 वीडियोज इस पर हम लेके आएंगे। लेकिन अगर इस पे थोड़ा आपका आपको अगर अच्छा लगा तभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। शुरुआत जस्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए यहां पर अपने मोबाइल फोन पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, देखिए तभी आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। और जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस साल एचएएस की या फिर नायब तहसीलदार या फिर एचपी पुलिस या जितनी भी एग्जाम एचपीपीएससी कंडक्ट करता है थ्रू आउट ईयर, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा आप प्लीज हमारा वीडियो सेक्शन जरूर विजिट करें। वहां पर आपको करंट अफेयर्स, जीके के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो जरूर आप हर वीडियो को देखिए। और अगर आपने अभी तक बजट, इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड या टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी रिलेटेड वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। और टॉप 25 एक सीरीज चल रही है जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं इस जितने भी एग्जाम हैं उनमें, तो वो हम लेके आ रहे हैं। और उसके 6 पार्ट अभी तक आ चुके हैं और 7वां भी जल्दी आएगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आपको ये सवाल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं आर्ट सेक्शन से, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर जो भी हैं उनकी उनके बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो सवाल है वो ये है, हु वन द टैगोर एकेडमी अवार्ड, टैगोर एकेडमी पुरस्कार बाय संगीत नाटक एकेडमी द नेशनल एकेडमी फॉर द गिवन ऑप्शन। देखिए इनमें से किसने जीता है टैगोर एकेडमी अवार्ड, ठीक है, जो दिया गया संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। तो ए नोरा रिचर्ड्स, बी गंभारी देवी, सी सरदार शोभा सिंह या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपको अगर ये सवाल आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा। और देखिए इसका जो जवाब है वो वीडियो के एंड में होगा, क्योंकि इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो उससे आप अगर आपको जवाब नहीं आता तो बहुत उसके बारे में तो आप जवाब दे ही पाएंगे, लेकिन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इन सारे पर्सन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल है, हु प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट पंजाबी प्ले दुल्हन द ब्राइड रिटन बाय हर प्यूपल आई सी नंदा इन 1914, ठीक है, किसने लिखा है। ए नोरा रिचर्ड्स, बी गंभारी देवी, सी निकोलस रोरिच या डी सरदार शोभा सिंह, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो पूरा देखिए और एंड में इनका सही जवाब मैं दूंगा, ठीक है। उसके आगे है, हु मेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइटल पेंटर ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन हिज लाइफ एंड वर्क, देखिए किसने बनाई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म पेंटर ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन हिज लाइफ एंड वर्क, ठीक है। तो किसने बनाई है ये, ए गंभारी देवी, बी निकोलस रोरिच, सी सरदार शोभा सिंह या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, जिनका नाम है गंभारी देवी। देखिए गंभारी देवी जो थी एक बहुत ही मशहूर फोक सिंगर, फोकलिस्ट और डांसर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से थी और हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, ये हैं, ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से। और देखिए इनका जन्म जो हुआ था, ठीक है, 1922 में हुआ था, बंदला विलेज ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो याद रखिएगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट ये क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत क्यों है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है फोक कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए जो कल्चर के ऊपर सवाल आते हैं उसके ऊपर ये मेन वीडियो स्ट्रेस करेगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए इन्होंने जो अवार्ड जीते हैं, देखिए जो टैगोर एकेडमी अवार्ड जीता है जो दिया गया था संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, ठीक है, फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। तो देखिए बहुत ही मतलब कह सकते टैलेंटेड थे म्यूजिक डांस एंड ड्रामा में, ठीक है, और 2011 में इन्हें मिला था टैगोर एकेडमी अवार्ड, ठीक है। और इनकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, इन्हें अचीवमेंट अवार्ड मिला है हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की तरफ से 2001 में, ठीक है, तो याद रखिएगा गंभारी देवी जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले जो इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं उनका नाम है नोरा रिचर्ड्स, ठीक है, 1876 में जन्म हुआ, 1971 में निधन हुआ। और देखिए जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने मतलब यहां पर आप देख सकते हैं एक दुल्हन द ब्राइड करके इन्होंने जो सबसे पहले पंजाब में 1911 में आई, और एक पंजाबी प्ले जिसका नाम था दुल्हन द ब्राइड, ठीक है, जी आईसी नंदा ने लिखा था, और 1914 में,
ये किया गया था, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से इनका जुड़ाव रहा है, ठीक है। ये सबसे पहले इनके बारे में समझना होगा आपको, देखिए जो फिलिप अर्नेस रिचर्ड थे, ये एक इंग्लिश टीचर थे जो इनके हस्बैंड थे, और उनके साथ इनकी मैरिज जब हुई, ठीक है, तो ये भारत में 1908 में आए अपने हस्बैंड के साथ, और उस समय ये जो इनके हस्बैंड थे वो इंग्लिश लिटरेचर के टीचर थे, और दयाल सिंह कॉलेज जो लाहौर में था वहां पर ये सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ पहुंचे, क्योंकि तब पाकिस्तान और तब भारत आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, तो उस समय, ठीक है। उसके बाद जब वहां पे आए तो इनका इंटरेस्ट जो था, हस्बैंड तो इनके थे ही टीचर, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वहां पे जो मतलब प्ले वगैरह थे उनमें बढ़ा, और उन्होंने सबसे पहला 1911 में पंजाबी प्ले दोहराया जिसका नाम है दुल्हन द ब्राइड, ठीक है। तो याद रखिएगा दुल्हन द ब्राइड नोरा रिचर्ड्स ने किया था, प्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद दोबारा से ये इंग्लैंड चले गए, लेकिन दोबारा जब ये वापस आए इंडिया 1924 में, ठीक है, तो इन्होंने मतलब कोशिश की और सेटल होने की, और ये सेटल हुई कांगड़ा वैली में, और इन्होंने अंद्रेटा में एक बहुत ही बढ़िया घर बनाया। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये जो इमेज है, ठीक है, अंद्रेटा में। तो यहाँ पर इनको याद रखे नोरा रिचर्ड्स ने कहाँ पे बनाया, अंद्रेटा हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, असल में थोड़ा इसको तय में जाके आपको समझना होगा। देखिए असल में ये सेटल कैसे हुए कि एक उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान कोई व्यक्ति था जो इंग्लैंड वापस लौट रहा था, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी नौरा को मतलब दे दी, ठीक है, और उन्होंने इसका नाम वहां से उसका नाम पड़ा वुडलैंड एस्टेट्स। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या पड़ गया जो इन्होंने घर किया, वुडलैंड एस्टेट। और मेनली जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो पंजाबी ड्रामा में रहा है, क्योंकि आपको पता है पंजाब जो था, पंजाब का काफी हिस्सा जो अभी हिमाचल में बना हुआ है, ठीक है, मेनली ऊना डिस्ट्रिक्ट ये सब रीजन, तो ये पहले पंजाब में ही हुआ करते थे, तो उस समय की सारी मतलब इस वजह से हिमाचल के इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पंजाबी ड्रामा में बहुत ज्यादा रहा है, और मेनली लेकिन जो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में अवार्ड और इन्हें डॉक्टरेट की भी उपाधि दी गई, ठीक है। और लेकिन जो इनका घर था, इनको ये चिंता थी कि जो म्यूजियम था इनका, जो यूनिवर्सिटी हाउस था, ठीक है, वहां पर काफी ज्यादा मतलब पुरानी चीजें थी रिलेटेड टू, और वो चाहती थी कि इसकी मतलब अपनी डेथ से पहले ये सरकार को वापस मतलब सरकार को दे दें, लेकिन सरकार ने इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था उस समय, ठीक है। तो लेकिन अब तो ये काफी मशहूर है वुडलैंड एस्टेट, ठीक है, तो काफी लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, तो ठीक है, ये जानकारी थी इनके बारे में, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा वुडलैंड एस्टेट के बारे में, ठीक है, और पंजाबी यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट मिली है, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये इनको तो सभी जानते हैं, सरदार शोभा सिंह, ठीक है। सरदार शोभा सिंह के बारे में अगर बात करें, देखिए 29 नवंबर 1901 में इनका जन्म हुआ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, और इनके जो पिता थे उनका नाम था देवा सिंह, तो याद रखिएगा, ठीक है, वो इंडियन कैवलरी में थे। 1944 में देखिए वो वापस लाहौर गए और उन्होंने अपना एक स्टूडियो ओपन किया एट अनारकली, तो याद रखिए कहां पर खोला, अनारकली में खोला, और वहां पर वो काम करते रहे एज अ आर्ट डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन पार्टीशन होने की वजह से उन्हें भारत में आना पड़ा, ठीक है, लाहौर छोड़कर आना पड़ा, ठीक है, और 1939 में वो अंद्रेटा जो यहाँ पर आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पालमपुर के पास है, ठीक है, पालमपुर में है, ठीक है, तो अंद्रेटा नियर पालमपुर, और वहां पे उन्होंने अपना एक मतलब कांगड़ा वैली का जो रीजन है वहां पर है, और वहां पर उन्होंने अपना कैरियर एज अ पेंटर शुरू किया, ठीक है। पेंटर होने से पहले याद रखिए वो डायरेक्टर थे, उसके बाद उन्होंने जब यहां पर आए हैं अंद्रेटा में आए हैं तो उसके बाद एज अ पेंटर उन्होंने काम करना शुरू किया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट और भी इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने अवार्ड कौन कौन से उन्हें मिले हैं, देखिए स्टेट आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा 1974 में, पद्मश्री मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1983 में, और डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है हॉनरिस कॉजा बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ठीक है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिन्होंने इसके ऊपर एक फिल्म रिलीज की थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसका नाम था पेंटर ऑफ द पीपल, याद रखिएगा पेंटर ऑफ द पीपल, जो कि उनकी लाइफ के ऊपर, उनके काम के ऊपर आधारित थे। और भी उन्हें अवार्ड मिले, लेकिन ये चार ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपसे कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है निकोलस रियोरिच, ठीक है। निकोलस रियोरिच की बात की जाए तो ये सबसे पहली बात, ये एक रशियन थे, और इनका जन्म जो हुआ है वो 1874 में हुआ है, 1947 में इनका निधन हुआ है, ठीक है। और इनका जो दूसरा नाम है वो है
कॉन्स्टेंटिनोविच रेयरिक, ठीक है, और ये एक रशियन पेंटर भी थे, राइटर, आर्कियोलॉजिस्ट, थियोसोफिस्ट भी थे। अब सोचने वाली बात यह है कि रशियन थे तो इनमें इंपॉर्टेंट हिमाचल पर्सनैलिटी क्यों हो गए? देखिए, जो इनका निधन हुआ है वो आपका नागर हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, और ये अपनी मतलब डेथ तक यहीं पर रहे हैं नागर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों का आज का पहला सवाल है कि रशिया की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, वो आपने कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताना है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, देखिए कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध था, ठीक है, ये रियोरिक जो थे ये इंडिया में ही थे जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, और यहाँ पर इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग की थी, जैसे कि रशियन एपिक हीरोइक या सेंटलिटी थीम्स के ऊपर, इवन कि अलेक्जेंडर नेवेस्की और द फ्लाइट ऑफ मिस्लेव एंड रेडिडिया एंड बोरिस एंड गेल्व करके, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग इन्होंने कीज हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हम एग्जाम परस्पेक्टिव से भी, देखिए 1942 में रियोरिक जवाहरलाल नेहरू से मिले थे उनके घर में कुल्लू में, तो याद रखिए कहां पर थे, कुल्लू में, और नेहरू की डॉटर जो थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी से भी मिले, नेहरू डॉटर एंड इंदिरा गांधी से भी मिले थे, सॉरी। और इन्होंने काफी डिस्कशन भी किया था कि जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब क्या होने वाला है दुनिया का, मतलब किस डायरेक्शन में पावर जाएगी, तो इस चीज के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया था मीडिया को, वी स्पोक अबाउट द इंडियन रशियन कल्चर एसोसिएशन, ठीक है, और रियोरिच ने यहाँ पर लिखा है इट इज टाइम टू थिंक अबाउट यूजफुल एंड क्रिएटिव कॉपरेशन, तो ठीक है, तो इनका स्ट्रेस रहा था वर्ल्ड वॉर के बाद कि किस तरह से मतलब कॉपरेशन करके ही दुनिया आगे बढ़ सकती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो इनके बारे में याद रखें क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से मिलने की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, और मतलब आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये आपके जो निकोलस रियोरिच हैं, और ये चार पर्सनैलिटीज थी, ठीक है। तो अब आप कुछ से जो मैंने सवाल पूछे थे वो आप उनका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, हु वॉन द टैगोर अकेडमी अवार्ड, जो कि दिया गया था संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, देखिए ये हैं बी कुंभारी देवी जी, ठीक है। दूसरा जो सवाल था, हु प्रोड्यूस द फर्स्ट पंजाबी प्ले दुल्हन द ब्राइड रिटन बाय आईसी नंदा इन 1914, ये हैं आपके नॉरा रिचर्ड्स, ठीक है। और अब जो तीसरा सवाल था, हु मेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म पेंटेड पेंटर ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन हिज लाइफ एंड वर्क, ठीक है, तो ये हैं आपके सरदार शोभा सिंह, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, और इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, तो देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तभी हम इसका आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं आई है तो फिर इसको हम किसी और मतलब तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो हमें आपके रिस्पॉन्स पर ही है कि किस तरह से आपका रिस्पॉन्स आता है उसी बेस पर हम इसको आगे कंटिन्यू करें या ना करें। और देखिए अगर आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज जरूर विजिट करें, और देखिए ये कुछ वीडियोज हैं आप इनको जरूर देखिएगा, आप काफी इंफॉर्मेटिव है, करंट अफेयर्स की वीडियो है, और मतलब जो आपकी जो टॉप 25 जीके चल रही हैं उनके ऊपर, तो आप जरूर इनको विजिट कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए, और अगर आप हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।